إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی اور انسانوں کے درمیان باہم ایک تعلق قائم کیا. انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں سب سے قریبی تعلق ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے. اس سے قریبی تعلق کوئی نہیں ہے. کتاب و سنت میں حقوق العباد ایک مستقل چیپٹر ہے اور اس پر بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح حقوق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق, حقوق العباد بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہے ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو بندوں میں سب سے قریبی تعلق جیسا کہ میں نے ذکر کیا اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت بنائی ہے, بلکہ انسان ہی نہیں جانوروں میں بھی یہ فطرت ہے کہ جانور بھی اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ہے, ہر ایک آدمی اس کو جانتا ہے. وہ اپنے گھر میں گھر کی چھت پر چڑیوں کو اور دوسرے پرندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کس انداز میں کرتے ہیں اور کس طرح بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو انسان تو پھر بھی انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو انسان کے اندر بھی یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے.
और औलाद भी वालिदैन से मोहब्बत करती है। एक आदमी की शादी हो गई, शादी होने के 5-6 महीने बाद उसके वालिदैन और दीगर करीबी रिश्तेदार कान लगाए रखते हैं ये सुनने के लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशखबरी है या नहीं। और ये बात भी ऐसी है कि जिसका साबका हर घर में पड़ता है, हर फैमिली को इस तरह की चीजों का साबका रहता है। और अगर साल बेसाल हो जाए और कोई खुशखबरी सुनाई न दे तो फिर तशवीश होती है और ये मशवरा होता है कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, मालूम करो क्या मसला है। अभी तक कोई खैर खबर नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए फिर आदमी भाग दौड़ करता है, दुआएं भी होती हैं। जिन लोगों का अकीदा सही है, नबियों के रास्ते पर जो लोग चलते हैं वो अल्लाह से मांगते हैं मारूफ तरीके से इलाज के साथ साथ, और जो बदअकीदा लोग हैं वो कब्रों पर भी चले जाते हैं, जरूरत से भी मांगते हैं। तो ये तो एक अलग टॉपिक हुआ। तो औलाद की तमन्ना हर इंसान को होती है और इसकी अहमियत का अंदाजा उस आदमी से ज्यादा लगेगा जिसकी शादी हुए बरसों गुजर गए और उसके यहां कोई औलाद पैदा नहीं हुई। उससे मालूम कीजिए कि उसकी जिंदगी किस अंदाज से गुजरती है। तो ये फिक्री चीज है, माँ बाप को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। और जिस वक्त कोई खुशखबरी होती है घर में, मालूम होता है कि हाँ भाई अल्लाह का हुक्म हो गया है, तो उसी वक्त से माँ भी अपना ख्याल रखती है और बाप भी अपनी बीवी का ख्याल रखता है, शोहर की बीवी का ख्याल रखता है, दवाइयों का ख्याल रखता है। आजकल तो बहुत सारे मेडिकल मामले हो गए हैं, पुराने जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था। आजकल जो साहब वो 9 महीने तक इंजेक्शन लगने का सिलसिला रहता है कि हर 3rd महीने पर इंजेक्शन लगना है और ये दवा खानी है, तो बड़ी पाबंदी होती है घरों में। ये क्या है सर? ये अभी दुनिया में नहीं आया है, लड़का हो या लड़की, औलाद अभी दुनिया में नहीं आई है, अभी वो माँ के रहम में है, पेट में है, और उसी वक्त से मोहब्बत उनसीयत कल्ब लगाओ पैदा हो गया है। और ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ने इंसान की यही फितरत बनाई है। और जब वलादत होती है घर में बच्चे की तो उस वक्त खुशियां दुबारा हो जाती हैं, घर में दादा दादी हैं तो वो भी खुशी का इजहार करते हैं, नाना नानी जिंदा हैं तो वो भी खुशी का इजहार करते हैं और दूसरे अजीब अकारी। लेकिन मेरे भाइयों, ये एक पहलू है जिसका मैंने जिक्र किया है, ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन बतौर याद दहानी मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन जब वो औलाद बड़ी होती है, माँ बाप इसकी परवरिश करते हैं, बाप अपनी औलाद के लिए परवरिश के लिए अच्छी तालीम के लिए अच्छी तरबियत के लिए किस किस तरह से मेहनत करके पैसा कमाता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करना है, बच्चे की सेहत का लिहाज रखना है, बीमार हो गया तो अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, पैसे कम है तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आदमी इलाज मुआवजा बच्चे का कराता है। ये बाप की तगो दौ है और माँ माँ तो माँ है। माँ का औलाद के साथ जो ताल्लुक होता है उसकी मिसाल नहीं है दुनिया में और मिसाल दी भी नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही ये बच्चा बालिग होता है और कुछ करने के लायक हो जाता है, तो आखिर ऐसी कौन सी सोसाइटी है
कौन सा माशरा है जहां वो बैठता है उठता है और वहां से माँ बाप की नाफरमानी के जज्बात अपने दिल में लेकर उठता है और माँ बाप के साथ गुस्साखियां करता है, बदतमीजियां करता है, उनको जवाब देता है, उन पर चीखता है, चिल्लाता है और उनके साथ बदसलूकी करता है। और आपने देखा है आज की दुनिया में यूरोप के लोग अपने आप को बड़ा महज़ब मानते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई महज़ब नहीं है और किसी को जिंदगी गुजारने का वो सलीका नहीं है जो हमारे पास है। यूरोप के लोगों का गुरूर है लेकिन कुछ नहीं है। वहीं से ये सिलसिला आया है हमारे मुल्क में भी कि बूढ़े लोगों के लिए घर बना दिया जाए, ओल्ड होम, और वहां पर औलाद अपने माँ को और बाप को छोड़कर जाती है। यूरोप में तो उसका बड़ा चलन है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं जिस वक्त उन्हें खिदमत की जरूरत होती है औलाद की, इस्लाम ने जो तस्वुर दिया है, जो तालीम दी है, वो बड़ी अजीब गरीब है। यानी अजीब गरीब इस माना में कि उस जैसी तालीम कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जो आयत सूरह बनी इसराइल की पढ़ी है, इस आयत में जो बातें अल्लाह ताला ने बयान की हैं वालिदैन से मुताल्लिक, वो बड़ी अहम है। पर आप अगर आपने इस आयत को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये बातें बतौर तज़कीर, बतौर नसीहत बार बार बयान की जाती हैं कि याद रहे। और नालायक और नाफरमान औलाद अपनी इस्लाह करें। अल्लाह फरमाता है वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ताला का ये फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, वो अकेला ही इबादत के लायक है। वबिलवालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसमें सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा, और जब वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे में पहुंच जाए, माँ बाप दोनों मौजूद हो या उनमें से कोई एक अल्लाह को प्यारा हो गया, एक मौजूद है और बुढ़ापे को पहुंच गया है, उफ्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उन्हें झिड़को नहीं, उनसे तेज आवाज में बात मत करो, उनके साथ बद अखलाकी और बद तहजीबी से गुफ्तगू मत करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, निहायत करीम अल्फाज के साथ उनसे गुफ्तगू करो और नरमी इख्तियार करो। और नरमी ही नहीं, वक़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़िल्ल मिनर रहमा, अपने बाजू फैला दो उनके लिए, उन्हें अपने बाजुओं में रखो। और अल्लाह ने फरमाया दुआ करो उनके लिए, वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करो उनसे अल्लाह के अल्लाह की जनाब में कि अल्लाह मेरे दोनों माँ बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की है, मेरा ख्याल रखा है, मेरी देखभाल की है, परवरदिगार आलम तू भी उन पर रहम फरमा। यह है इस्लाम की तालीम, ओल्ड होम भेजना और वहां माँ बाप को छोड़ देना और खुद अच्छे मकानों में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना, इस्लाम इसकी कभी इजाजत नहीं देता। तो इस्लाम ही की तालीम आला और अफजल तालीम है, इससे बुलंद और आला और अरफा कोई तालीम नहीं। क्या अल्फाज अल्लाह ने बयान किए हैं, अल्लाह अकबर, वक़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़िल्ल, अपने बाजू फैला दो उनके लिए। लेकिन आज कितने ही बदबख्त औलाद ऐसी है जो माँ बाप को झड़कती है, उनकी खिदमत नहीं करती है,
उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखती है, उन्हें अपने ऊपर बोझ समझती है। मेरे भाइयों, ये बदबख्ती है। इससे बड़ी बदबख्ती दुनिया में कोई नहीं है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत न करे और माँ बाप के साथ बदसलूकी करे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا سورہ الانعام میں کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک کی نفی اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ باپ کی محبت کا اندازہ لگائیے، ہم سب کا مشاہدہ ہے، دیکھتے ہیں رات دن، اور خود جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورۃ یوسف میں۔ ان کے بھائیوں نے جب ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، مصر کے قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا، اللہ نے ان کو نبوت و اقتدار سے نوازا، انہیں حکومت عطا کی، انہیں عزت دی، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا اور اپنا نبی بنایا۔ ان کے بھائی دانے دانے سے پریشان ہوئے اور مصر جا کر انہوں نے ریلیف مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ، چھوٹا والا ہے سب سے، اس کو بھی لے کر آنا۔ چھوٹے والے بھائی کو بلا لیا، اسے پھر اپنے پاس روک لیا۔ بہت تفصیل ہے، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ جب چھوٹے بھائی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا تو دونوں بچے جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حد تک محبت تھی ان سے دور ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا غم تو تھا ہی، اب ان کے بھائی بھی ان سے جدا ہو گئے اپنے باپ سے۔ جب یہ لوگ آئے ہیں اور بتایا کہ چھوٹے والے کو روک لیا، تو بہت تفصیل ہے اس واقعے میں، اللہ نے بیان کیا ہے اس نقشے کو، اس منظر کو۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت یوسف کے لڑکے یہ بتا کر چلے گئے کہ آپ کے چھوٹے لڑکے کو بھی وہاں روک لیا گیا ہے، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ اکبر۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، جب وہ لوگ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، ہائے یوسف، یہ باپ کی محبت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ باپ کو اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے، ہائے یوسف۔ اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی بینائی جاتی رہی، مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ اکبر۔ لڑکے واپس آئے باپ کی آواز سن کر اور کہنے لگے، یہ آپ کب تک یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے، کہیں آپ اپنے کو ہلاک نہ کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
जो फरमाया है वो तौहीद है, और इसी तौहीद की दावत हम देते हैं सारी दुनिया को। फरमाते हैं इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, मैं अपना गम, अपना दुख और अपनी फरियाद अल्लाह ही की जनाब में पेश करता हूं। वो आलम मिन अल्लाह मा ला तालमून, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म दिया गया है तुम उसको नहीं जानते हो। गम, मुसीबत, परेशानी में अंबिया किसकी तरफ रुजू करते थे? अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, मैं अपना गम, अपनी परेशानी, अपना सदमा अल्लाह की जनाब में पेश करता हूं। तो ये है मिसाल कुरान करीम से कि बाप को किस अंदाज की मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। माँ की मोहब्बत की मिसाल भी अल्लाह ने कुरान करीम में पेश की है, और वो वालिदा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। फिरौन ने ऐलान कर दिया था कि हमारे मुल्क में जो लड़का पैदा होगा उसे हम कत्ल कर देंगे, किसी ने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई, घर वाले परेशान हैं क्या होगा, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में करा दी। यह है वो मालिकुल मुल्क और सबसे बड़ी कुदरत वाला, सबसे बड़ी शान वाला, कि दुश्मन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा दी। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को इल्का किया, उनके दिल में बात डाली कि इस बच्चे को एक संदूक में रखकर और पानी में छोड़ दो, दरिया में बहा दो। वो दरिया फिरौन के महल से होकर गुजरता था। माँ ने ये काम किया लेकिन परेशान हो गई, दिल बेचैन हो गया। उसी को अल्लाह ताला ने बयान किया है, अस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने इस आयत में हजरत मूसा के वालिदा की बेचैनी को जिक्र किया कि संदूक छोड़ तो दिया पानी में लेकिन दिल परेशान हो गया माँ का, क्या होगा। और ये सोचने लगी कि मैं सारी बात जाहिर कर दूं, बता दूं कि इसमें कौन है, मेरा बेटा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रोक दिया, अल्लाह ताला ने उनको संभाला और वो बताने से रुक गए। और ये इल्का किया कि इसकी बहन को साथ साथ भेज दीजिए। हजरत मूसा की बहन साथ साथ गई। जब महल के अंदर वो जहां से पानी गुजरता था वो संदूक गुजरा तो उसको पकड़ लिया गया, खोला तो उसमें बच्चा निकला। फिरौन ने कहा कि इसे कत्ल कर दो। उसकी बीवी ने कहा नहीं, ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला की कोई नेमत है और हम इसकी परवरिश करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान और कुदरत देखी। जिसने ऐलान किया था कि लड़का पैदा होगा तो उसे कत्ल कर देंगे, हजरत मूसा की परवरिश उसी महल में हो गई, मैं पहुंचा दिया। और उसके बाद के हालात ये हैं कि दूध पिलाने वालियों को बुलाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया। उनकी बहन ने कहा अगर आप लोग मेरी बात मान लें तो मैं एक खातून का जिक्र कर देती हूं, अगर आप उससे दूध पिलवा लें तो शायद ये उसका दूध पी ले। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ कौन औरत है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में बताया कि ये खातून इसे दूध पिला सकती है। तो दूध पिलाने के लिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की गोद में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया और उन्होंने दूध पिलाया। अल्लाह ताला की शान है, उसकी कुदरत है, जितनी उसकी तारीफ बयान की जाए हम्द की जाए वो कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ماں کی محبت کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 برس تک دودھ پلایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. ماں کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس دوران بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، پھر 2 سال دودھ پلایا ہے. تو اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو، اور یاد رکھو تم سب کو پلٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے. کوئی نہیں بچے گا میرے یہاں آنے سے، ہر ایک کو اللہ کی طرف جانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ فِي ذُرِّيَّتِي وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ماں باپ کا مقام بیان کیا ہے اور ان کے لیے دعا اللہ تعالی نے تعلیم دی، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کرتی رہی اور پھر اسے پیدا کیا. اس کے حمل کا، اس کے دودھ چھوڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 مہینے حمل کے. اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، اور سوشل سائنس بھی آج یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ 6 مہینے میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں اس میں رہتی ہیں جو 9 مہینے تک اس کی ولادت ہوتی، لیکن 6 مہینے کا بچہ پیٹ میں ماں کے مکمل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی اس کے بعد 7ویں مہینے میں پیدائش ہوتی ہے، تو عام طور پر اس کو کہتے ہیں یہ ستواسا ہے، 7ویں مہینے میں پیدا ہو گیا. تو 30 مہینوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ بڑا ہوتا ہے، عقل کی پختگی کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، اور میرا بھی شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور دعا کرو کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور تم میری اولاد میں میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. ایک اور واقعہ بہت قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے والدین کے تعلق سے. حضرت سلیمان علیہ السلام، سورۃ النمل میں یہ واقعہ ہے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے. اس واقعے کے اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے، فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جب اس میدان میں پہنچے جہاں چینٹیاں تھیں، تو ان میں سے ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کو خطاب کیا، ان سے کہا ہے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج
तुम्हें अपने पैरों से रोंद डाले और उन्हें खबर भी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों की जबानें समझने का इल्म अता फरमाया। जब चींटी की ये बात सुनी, आप गौर फरमाएं, अल्लाह ताला की एक मखलूक है छोटी सी, बहुत मामूली चींटी, लेकिन कैसा शऊर अल्लाह ने उसको दिया और कितनी खूबियां उसके अंदर हैं। अपनी सारी चींटियों से बोलती है कि चलो हम अपने घरों में दाखिल हो जाए, वही सुलेमान का लश्कर और सुलेमान को मैं रौंद न डाले। हजरत सुलेमान के बारे में फरमाया, फतबस्समा बाहिका मिन कौलिहा, चींटी की ये बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हंस दिए, समझ गए चींटी क्या बोल रही, तो उनको हंसी आ गई एहसास का। और उसके बाद फिर अपने वकाल रब्बी औज़िअनी أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। अल्लाह के जनाब में दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, इस नेमत का मैं शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वाले बैल पर अता की है। जो नेमत मुझे अता की है और मेरे वाले बैल को अता की है, मुझे इस पर शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा। और ऐ परवरदिगार, मुझसे ऐसे अमल का सुदूर हो के जिनसे तू राजी हो जाए, ऐसा अमल करूं, ऐसे काम करूं जिनसे तू राजी हो जाए, और अपनी रहमत से मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह अकबर, यह आजिज़ी की इंतहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे और नबी नेक ही बंदा होता है, नबी के अंदर किसी तरह का नक्स नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आजिज़ी और इंतिसारी का हाल यह है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा दे। तो वालिदैन का मेरे भाइयों बड़ा मकाम है। वालिदैन के ताल्लुक से अहादीस में बहुत सारी बातें बयान की गई हैं। हज़रत मूसा की वालिदा का कबूल इस्लाम का वाकया इस हदीस की किताबों से मुस्लिम में है, और इसी तरह मेरे भाइयों हजरत उवैस करनी का वाकया। उवैस करनी सबसे बड़े ताबई थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे, लेकिन कभी मदीने आने का मौका नहीं मिला कि वालिदा की खिदमत से फुर्सत नहीं मिलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया था, और ये रिवायत हजरत उमर ही से है कि उमर यमन का एक शख्स है जिसका नाम उवैस बिन आमिर है, वो अपनी वालिदा की वजह से यहाँ नहीं आ पाया है, वालिदा की खिदमत में रहता है, जब तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे दुआ कराना। अल्लाह हु अकबर, वालिदा की खिदमत की वजह से मदीना नहीं आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए, आपसे मुलाकात के लिए, इसीलिए सहाबी के मकाम पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो सबसे बड़े ताबई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से फरमाया था कि उमर, तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त कर। हजरत उमर की मुलाकात हुई और उन्होंने फिर उनसे पूछा, तुम उवैस हो? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया था, तो कहा मैं उवैस बिन आमिर हूँ, कहा तो मेरे लिए आप दुआ फरमा दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, उवैस से मुलाकात हो जाए तो उनसे अपने लिए दुआ करा। माँ की खिदमत कितना बड़ा मकाम पर पहुंचे, माँ की खिदमत के नतीजे में। अल्लाह हु अकबर। तो मेरे भाइयों, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप के साथ उसमें सलूक करो, माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप की खिदमत जिस तरह की भी हो उसे करो, कि वही सआदत की बात है। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप का मकाम है। माँ के तीन हिस्से अल्लाह ने बयान किए हैं, बाप का एक हिस्सा बयान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते रहे साहबा, अल्लाह नबी किसका हक? आपने फरमाया तुम्हारी माँ का, फिर पूछा फिर तुम्हारी माँ का, पूछा तुम्हारी माँ का, फिर कहा तुम्हारे बाप का। तीन मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ का, चौथी मरतबा फरमाया तुम्हारे बाप का। माँ बाप अगर मौजूद नहीं है तो फिर उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें और उनकी तरफ से अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात करते रहें, और उनके दोस्तों के साथ उसने सलूक करें। बाप के जो दोस्त अहबाब हैं,
बाप के दुनिया से जाने के बाद उनके साथ उसने सलूक भी वालिदैन के साथ उसने सलूक के बराबर है। माँ चली गई दुनिया से, अल्लाह से प्यारी हो गई तो माँ की सहेलियों के साथ अच्छा बर्ताव करे ताकि वालिदा के हकूक की अदायगी हो सके। अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, अल्लाह नाफरमानी से हम सबको बचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक बनाए, एक बनाए और अपने दीन पर कायम रहने वाला और चलने वाला बनाए। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूह इन्नहू